इनवर्स माइनस वन, क्या है स्टेटमेंट? टेंजेंट इनवर्स माइनस वन। आपको बताना चाहिए टेंजेंट माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट थीटा। अब आप इसको क्या लिखेंगे? माइनस टेंजेंट इनवर्स वन। टेंजेंट इनवर्स को हमें यहाँ से कैंसिल करना है, कैंसिल करना है तो हमें टेन लेना पड़ेगा इनटू में। टेन में टेबल में ये देखेंगे वन कहाँ पर होता है, किस एंगल पर होता है। टेबल में टेंजेंट में वन कहाँ पर होता है तो हमें पता है साइन थीटा बाय कोस थीटा टेंजेंट थीटा होता है। तो 45 में दोनों कैंसिल हो रहे हैं, सेम है तो वन आएगा। आप लिखेंगे यहाँ टेंजेंट 45 डिग्री इज साइन 45 डिग्री बाय में कोस 45 डिग्री। साइन 45 वन बाय रूट टू, कोस 45 वन बाय रूट टू, दोनों कैंसल हो गए, वन आ गया। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस टेंजेंट इनवर्स वन को क्या लिखेंगे? टेंजेंट पाई बाय फोर, पाई मीन्स 180, 180 बाय फोर इज 45। टेंजेंट 45 इज वन, ठीक है। टेन से टेन कैंसिल, आंसर इज माइनस पाई बाय फोर। ओके, सबसे पहले माइनस को बाहर लिया, वन को लिखा टेंजेंट पाई बाय फोर, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, आंसर इज पाई बाय फोर। क्वेश्चन सेवन, सेट इनवर्स टू बाय रूट, ठीक है। तो हमें अब सेट की तो टेबल हमारे पास हमने बनाई नहीं, क्या होता है सेट? किसका अपोजिट होता है? कोस थीटा का रेसिप्रोकल। तो आप कोस थीटा में रूट थ्री बाय टू चेक कर दीजिए कहाँ पे होता है, वह सेट थीटा में मिलेगा। कोस थीटा में रूट थ्री बाय टू 30 पे, तो आप लिखिए सेट इनवर्स सेट 30 को क्या लिखेंगे? पाई बाय सिक्स। सेट से सेट कैंसिल, आंसर इज पाई बाय सिक्स, बिल्कुल इजी। आप यहाँ लिखना चाहें लिखिए सेट पाई बाय सिक्स इज सेट 30 डिग्री इज टू बाय रूट, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है इसका उल्टा ही तो लिखना हमने, या सेट 30 पे आ जाएगा टू बाय रूट थ्री। ओके, बिल्कुल इजी। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एट, क्या है क्वेश्चन है? कोटेंजेंट इनवर्स रूट थ्री, कोटेंजेंट इनवर्स रूट थ्री। तो हमने यहाँ पे क्या लेना मल्टीप्लाई में? कोट, कोट में ये देखेंगे टेबल में रूट थ्री कहाँ पर होता है। देखिए कोट क्या होता है? कोस थीटा बाय साइन थीटा। आप देखिए कोस थीटा बाय साइन थीटा मतलब 30 पे आएगा हमारा रूट थ्री। देख लीजिए एक बार, कोट 30 इज कोस 30 बाय में साइन 30। कोस 30 क्या है हमारा? रूट 3 बाय 2। साइन 30 क्या हमारा? 1 बाय 2। जब फ्रैक्शन में टू फ्रैक्शन हम डिवाइड करते हैं तो सेकंड फ्रैक्शन का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल, और इन बिटवीन साइन इज मल्टीप्लाई। तो रूट 3 बाय 2 इनटू में 2 बाय 1, इस फ्रैक्शन के ये फ्रैक्शन डिवाइड में थी तो हमने इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल किया, बीच में मल्टीप्लाई साइन दिया। 2 से 2 कैंसिल, क्या आया? रूट 3। तो कोट 30 को हम क्या लिखेंगे? क्या बन गया? रूट 3। रूट 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 4 30, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 6। आप यहाँ लिखना चाहें लिखिए 4 30 इज रूट 3। ओके, कुछ नहीं किया हमने टेबल में रूट 3 को
क्वेश्चन नाइन, कोस इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू। अब हमने आपको ध्यान होगा जो पीछे वाली वीडियो है इसी एक्सरसाइज की, उसमें हमने किया था कोस माइनस थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में देखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है, माइनस होता है, नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां होते हैं, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तो हम यहां लिखेंगे पाई माइनस थीटा। तो पहले ये देखिए थीटा कहां पे होता है, 1 बाय रूट 2 कोस में, कोस में 1 बाय रूट 2 हमारा 45 पे होता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स कोस पाई माइनस पाई बाय 4। कोस पाई माइनस पाई बाय 4 क्या है, 1 बाय रूट 2 का आता है पाई बाय 4 पे, माइनस है तो 180 माइनस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, एलसीएम लेके सॉल्व किया 4 पाई माइनस पाई 8 3 पाई बाय 4, कुछ नहीं दिया हमने, माइनस था कोस माइनस थीटा, कोस थीटा ने माइनस कोस थीटा नहीं होता, तो हमने उसको अप्लाई किया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट होती है हमारी 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तो हमने 180 माइनस थीटा अप्लाई किया यहां पे, वो आ गया 3 पाई बाय 4। ओके क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में है कोसेक इनवर्स माइनस रूट, कोसेक इनवर्स माइनस रूट। तो कोसेक माइनस थीटा देखिए पहले, तो सबसे पहले क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक इनवर्स रूट टू। अब कोसेक में टेबल में ये देखेंगे किस एंगल पर रूट टू होता है, कोसेक किस तरह से प्रोपर होता है, साइन का। तो साइन में 1 बाय रूट टू ढूंढो, 45 पे है तो कोसेक 45 पे क्या हो जाएगा, रूट टू माइनस कोसेक इनवर्स पाई बाय 4, कोसेक 45 इज रूट टू, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज पाई बाय 4। क्लियर है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना, पहले माइनस को बाहर निकाला, फिर हमने कोसेक में रूट टू वैल्यू देखी, साइन में चेक करके आप उसका रेसिप्रोकल करें, साइन में 1 बाय रूट 2 45 पे होता है, कोसेक रूट 2 भी 45 पे होगा, तो कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल हो गया, 45 को हम लिखेंगे 5 बाय 4। क्वेश्चन 11, टेंजेंट इनवर्स वन प्लस कोस इनवर्स माइनस 1 बाय 2, कोस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 4। टेंजेंट इनवर्स 1 कोस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। तो आप यहां देखिए टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 पे क्या होता है, 1 प्लस कोस इनवर्स कोस पाई माइनस 1 बाय 2 कहां पे होता है, पाई बाय 3 पे, 60 कितना होता है, पाई बाय 3। अब पाई माइनस पाई बाय 3 समझ गए, क्योंकि यार सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस होता है, वो 180 माइनस थीटा में लाइक प्लस माइनस
साइन इनवर्स साइन पाई बाय सिक्स, ठीक है। वन बाय टू साइन थर्टी पे, वन बाय टू कोस सिक्सटी पे, वन टेन फोर्टी फाइव, टेन से टेन, कोस से कोस, साइन से साइन, क्या आएगा पाई बाय फोर प्लस पाई माइनस पाई बाय थ्री को सोल्व कर लीजिए आप, थ्री पाई माइनस पाई इज टू पाई बाय थ्री, प्लस माइनस माइनस पाई बाय सिक्स। एलसीएम क्या आएगा इसका, थ्री सिक्स और फोर का एलसीएम ट्वेल्व, तो क्या लेंगे हम ट्वेल्व एलसीएम, फोर थ्री जा ट्वेल्व, थ्री फाइव, थ्री फोर जा ट्वेल्व, फोर टू जा एट, सिक्स टू जा ट्वेल्व, टू वन जा टू, थ्री और टू फाइव, एट माइनस फाइव, थ्री से टू गया फाइव, एट और वन नाइन, फाइव बाय में ट्वेल्व, थ्री थ्री जा थ्री, फोर जा, आंसर इज थ्री बाय फोर फाइव। क्या क्या है, वन देखा, टेंजेंट इनवर्स हटाना है तो टेंजेंट में, कोस इनवर्स हटाना है तो कोस में माइनस वन बाय टू, माइनस है तो फाइव माइनस थीटा, माइनस को बाहर लिया, साइन इनवर्स हटाना तो साइन वन बाय टू इज फाइव बाय सिक्स, सोल्व किया इनको एलसीएम लेके आंसर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन ट्वेल्व, क्वेश्चन ट्वेल्थ इज कोस इनवर्स वन बाय टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाय टू, कोस इनवर्स वन बाय टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाय टू, कोस में वन बाय टू किस एंगल पर होता है ये देखिए आप, कोस इनवर्स हटेगा तो कोस में वन बाय टू चेक करना पड़ेगा हमें 60 डिग्री पे, तो कोस 60 डिग्री को हम लिखेंगे कोस पाई बाय थ्री प्लस टू साइन इनवर्स साइन वन बाय टू को देखेंगे हम कहाँ पर अप्लाई करता है साइन में, वन बाय टू इज 30 डिग्री, 30 को आप लिखेंगे पाई बाय सिक्स, ठीक है। 1 by 2 को क्या लिखेंगे पाई बाय 6, साइन 30 पे 30 को पाई बाय 6, साइन से साइन, कोस से कोस, यहाँ आया पाई बाय 3, यहाँ पर भी 2 से हम 3 को कैंसिल, 6 को कैंसिल कर सकते हैं या आप नेक्स्ट लाइन में करें वो आपकी मर्जी है, 2 इंटू में पाई बाय 6, आप इसको लिखेंगे पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 ए 2 पाई बाय 3, क्लियर। कुछ नहीं करना, हमने कोस इनवर्स हटाना है तो टेबल में कोस में ये वैल्यू देखिए आप, ऐसे साइन में ये वैल्यू देखिए, साइन से साइन इनवर्स, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू है ऐड कर दी हमने, ओके। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 है साइन इनवर्स एक्स इज वाई, यहां से आप एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन वाई, साइन इनवर्स यहां क्या था, डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया ना, साइन वाई बन गया। अब ये कंडीशन कहाँ लाई करती है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, वो हमारा कहाँ से कहाँ लाई करता है ये आप याद करिए, लेस इक्वल वाई लेस इक्वल पाई बाय टू माइनस वन टू वन, इसकी डोमेन क्या हमारी माइनस वन टू वन, माइनस नाइनटी टू नाइनटी, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये होगा, ये आपको रूल याद करना, रूल है ये, ठीक है, साइन कहाँ से कहाँ लाइक करता है।
क्वेश्चन 14. में आपका है टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू. सेक इनवर्स माइनस टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू, ये आपके पास. तो आप टेंजेंट इनवर्स लगाने के लिए क्या करेंगे, टेन लाएंगे. 10 के लिए आप क्या करेंगे, 60 है 5/3. रूट थ्री का आता टेंजेंट 60 पे, टेंजेंट 60 को क्या लिखेंगे, टेंजेंट 5/3. ठीक है, माइनस को बाहर लाएंगे, सेक इनवर्स, सेक में 2 देखेंगे तो आप टेंजेंट साइन में 1/2 देखिए 30 पे है, तो इसको क्या लिखेंगे 5/6. सेक से सेक कैंसिल, क्या बना 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, 5/3 प्लस माइनस माइनस प्लस 5/6, क्या से आ जाएगा 6. 3 2 जाए 10, 2 पर 6 हो जाए 6 पर, ये 3 5/6, 2 प्लस 1 3, 3 1 जाए 3, 3 2 जाए 6, आंसर इज 5/2. क्या क्या हमने रूट थ्री को टेंजेंट में देखा, कहाँ पर होता है 60 पे, तो टेंजेंट 5/3. माइनस को बाहर लिया, सेक इनवर्स है तो सेक में 2 को देखा कहाँ पर होता है 30 पे 5/6. सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 6 एलसीएम लेके सॉल्व किया. ये था आपका क्वेश्चन 14. स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से शेयर करना ना भूलें. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.